नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, बार बार हिंदी के जो क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं उन्हीं से प्रैक्टिस सेट नंबर 19 यानी कि 19 हम लेके आ चुके हैं। चाहे वो आप लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाले हो, UPSI का, वीडियो का, JA का, BEd का, कोई भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, पुलिस का भी, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर 40 क्वेश्चन लेकर के सेट बना रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन आपको इस सेट में देखने को मिलेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहना है। लास्ट में आपको मिला करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब आपने दिया है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है इस सेट का, निम्न में पुलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से जो आपके चार ऑप्शन है इनमें से पुलिंग कौन सा है आपको बताना है। जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं कि कौन सा शब्द है जो कि इनमें से पुलिंग है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पुलिंग है वो है आपका क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बाकी क्षमा दी जाती है, घटना घटती है, रीति जो आप जानते हैं, ये सभी स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्षेत्र जो है ये आपका पुलिंग है। चलिए ऑप्शन नंबर सी जी लो राइट किया, एक नंबर उनको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें अब आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो देखिए, आपको देखते ही लग रहा है गरिमा लड़की का नाम भी होता है, तो गरिमा जो है ये आपका बी वाला जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और ये सब जो है आपके दुख हो गया, लेख हो गया, स्पर्श हो गया, ये सब जो है पुलिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? कौन सा इनमें से है जिसका प्रयोग सदैव हमेशा जो है बहुवचन में होता है, बताइए। देखिए, हम लोगों ने जो है दर्शन किए वैष्णो देवी के या कहीं भी जाके हमने दर्शन किया, तो दर्शन जो दोस्तों ये बहुवचन में होता है, ठीक है। दर्शन जो है ये बहुवचन में होता है। नारी का आप जानते हैं कि नारियां हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा, गाय का गाय हो जाता है, तो इसका बहुवचन बनने की ज़रूरत नहीं है, ये दर्शन खुद ही बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है ये हमको बताना है कि कौन सा है जो कि भूतकाल का उदाहरण है। तो देखिए, आप सभी लोगों ने टेंस पढ़ा ही होगा तो समझ में आ रहा होगा, राम घर गया था, था, हूँ, है, गा है, तो आप पकड़ सकते हैं। ऑप्शन बी जो है ये आपका भूतकाल में, भविष्यकाल में, ये आपका जो है प्रेजेंट या फिर कह सकते हैं वर्तमान है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भाववाच्य है, इसमें से कौन से में दोस्तों आपको बताना है कि भाववाच्य है, बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, यहां पर देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, ये यहां पर जो है तो भाववाच्य नहीं दिख रहा है। श्याम पत्र लिखता है, ये भी भाववाच्य नहीं लग रहा है। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य है, ठीक है, बैठ नहीं पा रहा या बैठा नहीं जाता। यहां पर पत्र लिखा जाता है, ये भी भाववाच्य नहीं है। ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? निम्न में कौन सा वाक्य है जो कि मिश्र वाक्य है, बताइए। देखिए, मिश्र वाक्य यहां पर कॉमा किसमें है, इसमें है, तो आप पकड़ सकते हैं। आपका यहां पर यह जब सवेरा हुआ तब, जब तब करके है जोड़ा है, तो तब हम लोग बाहर गए, ये मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब जो वाक्य थे वो सरल वाक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने विद्यालय जाना है, ये तो गलत लग रहा है। वाक्य में अशुद्ध अंश माने कहाँ पर गलती हुई ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर सही करना चाहें तो यहाँ पर अगर मैंने की जगह पे हम मुझे कर दें, मुझे विद्यालय जाना है, तो सही हो जाएगा, यानी मैंने जो है ये गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह किसको कहते हैं आप, इसी को तो कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। इसको बताइएगा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्ण विराम, खड़ी पाई जो है पूर्ण विराम इसको कहते हैं। देखते हैं किसको किसको याद है, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। सभी लोग लिख करके बताएं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था पिछले जो है वीडियो में बताया था, इसको भी बताइएगा। और एक और मैं बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर केवल कामा है इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, इन्हीं दोनों को आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में बताना है।
कि इनको क्या क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ, आसमान फट जाना का सही अर्थ कौन से ऑप्शन में है। साथ ही साथ दोस्तों मिलाते रहिए, कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब आप दे पा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ जो है आपको आंसर दे करके और काउंट नहीं करना है, काउंट करके आपको बताना है कि 40 क्वेश्चन में से इस सेट में 19 नंबर सेट में आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो देखिए आसमान फट जाना का आप जानते होंगे कि जो है बहुत बड़ी मुसीबत और मुसीबत पड़ जाएगी तब ये सब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो असंभव काम होना, या फिर यहाँ पर है बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वावलंबी होने के लिए जो है सही मुहावरा है, स्वावलंबी के लिए सही मुहावरा कौन सा है। 12:15 होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना और फूंक फूंक कर पैर रखना, बताइए कौन सा है। तो देखिए स्वावलंबी होने के लिए क्या कहते हैं, पैर पर खड़ा होना, ठीक है, पैर पर खड़ा होना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है, पैर पर खड़ा होना, ठीक है। अगर देखिए 12:15 होना मान लीजिए आ गया तो इसको क्या कहेंगे आप, अधिक जब लाभ हो जाता है या अत्यधिक जिसमें लाभ होता है उसको बोलते हैं 12:15 हो गया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पानी फेर देना, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कोई भी काम खराब हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं पानी फेर दिया। फूक फूक कर पैर रखना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य करना जो है इसको कहते हैं। तो ये सभी आप याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से कहाते होए, ठीक है। इस जो है मुहावरा या लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो है कर्म जैसा आप करेंगे वैसा ही, तो यहाँ पर देखिए क्या कह दिया, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, ये तो गलत है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये सही लग रहा है। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये भी मतलब ये सही है, लेकिन उतना इसके हिसाब से जो ये कह रहा है उसमें ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति, मतलब लाभ ही लाभ के लिए कौन सा लोकोक्ति जो है सही है वो बताइए। तो लाभ ही लाभ के लिए बोलते हैं कि आपकी पांचों उंगलियां घी में है, ठीक है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये गलत है। नेकी कर कुएं में डाल, ये भी गलत है। नेकी का पूछ पूछ, ये भी गलत है। यह ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही लाभ रहता है तो क्या कहते हैं, आपकी पांचों उंगलियां तो घी में है। नेक्स्ट है मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद जो कहलाता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए व्याख्या के साथ अनुवाद करें क्या कहेंगे, व्याख्यानुवाद कहेंगे, ठीक है। भावानुवाद में भाव के साथ सार अनुसार सार निकाल करके सब शब्द का अनुवाद करके, तो यहाँ पर आप सीधे ही अगर आप जोड़ देंगे व्याख्या अनुवाद को तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, ब्रज भाषा जो है हिंदी की जो है कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है बताइए। तो ये आती है दोस्तों पश्चिमी हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ भोजपुरी थोड़ा बताइएगा, भोजपुरी जो है किस हिंदी के अंतर्गत आती है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है, अमेंडमेंट जो है इसके लिए सही हिंदी में उसको क्या कहते हैं या अनुवाद है वो बताइए। तो आपने संविधान में सुना होगा संशोधन होता है, वही अमेंडमेंट है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में जो भी हम क्वेश्चन उठा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, जो भी हम क्वेश्चन उठा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया, तो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिलाते रहिए कि आप कितना क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में से सही कर पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सूर सागर के रचयिता कौन है, सूर सागर के रचयिता कौन है बताइए, जिन लोगों को याद है, ठीक है। सूर सागर के जो रचयिता है वो है सूरदास, ठीक है, सूर सागर के रचयिता सूरदास हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है, रीतिकाल का कवि निम्न में कौन है बताइए। तो देखिए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लिख करके बताएं,
सी बिहारी जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। और अगर बात करें यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और सुमित्रानंद पंत, ये लोग जो हैं ये छायावादी हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, उसने कहा था जो है कहानी है उसके राइटर कौन है बताइए, तो गुलेरी जी हैं, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं ये राइटर हैं उसने कहा था के, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी किसका काव्य है, उर्वशी जो है ये किसका काव्य है, सभी लोग बताएं जिनको जिनको याद है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार एग्जाम में आ चुका है, उर्वशी किसका जो है काव्य है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये है आपका दिनकर जी का, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का, ऑप्शन नंबर सी, कई बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के किसी एग्जाम से ही उठा लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, तत्सम कौन सा है, मैंने आपको बताया था कि संस्कृत वाला तत्सम, और जो जो आपका घिस पिट के अलग हो गया है हिंदी में मिल गया है वो आपका हो जाता है तद्भव, ठीक है, ज्यों का त्यों वाला तत्सम रहता है, तो इसमें आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो तत्सम है वो है कुकुर, कुकुर जो है ना ये क्या है, ये है तत्सम शब्द है, जबकि जो कोयल है इसको कोकिला कहते हैं, लाख को यहाँ पर जो है लक्ष्य कहते हैं, याद रखिएगा ये सब, और भीतर को अभ्यंतर कहते हैं, ठीक है, ये सब जो है ये आपका तद्भव है, जो भी कोयल है लाख है या फिर भीतर है, और कुकुर जो है कुत्ता जो है इसका हो जाएगा तद्भव, कुकुर जो है तत्सम है। देखिए कुकुर हम लोग समझते थे अभी तक कि तद्भव है, लेकिन कुकुर जो है वो संस्कृत वाला है, सही वाला है, मतलब हम लोग के जो भोजपुरी में बुढ़े लोग हैं ये लोग सही बोलते हैं तब, तो इसमें आपको तद्भव बताना है, तद्भव बताइए कौन सा इसमें तद्भव है। तो देखिए इसमें जो तद्भव वो है आलस, ठीक है, आलस जो है ये तद्भव है, इसका जो जो है तत्सम जो होता है वो होता है, जो होता है वो होता है आपका आलस्य, आलस्य, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन ए राइट आंसर। कुष्ठ जो है ये आपका तत्सम है और इसका कोढ़ जो है होता है तद्भव, अंधकार जो है ये है आपका तत्सम और अंधेरा जो है वो होता है तद्भव, याद रखिएगा, और उल्लास जो है ये है तत्सम और उत्साह जो है वो होता है तद्भव, तो यहाँ पर सिर्फ आपको तद्भव ही बताना तो आलस्य हो जाएगा, ठीक है, आलस और आलस्य तत्सम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द पहचानिए, अर्ध तत्सम कौन सा है, तो देखिए एक तो होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, ठीक है, तद्भव, तो इन दोनों में फर्क जब ये होता है उसके बीच का एक जो है कह सकते हैं कि बदलाव का समय है उसको अर्ध तत्सम कहते हैं, तो कौन सा शब्द इनमें से है ये आपको बताना है, लिख करके बताइए जिन लोगों को याद है। तो देखिए ये जो है ये आपका अर्ध तत्सम जो है वो है दही, दही जो है ये अर्ध तत्सम है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर रात्रि की बात करें तो ये हमारा जो है तत्सम हो जाएगा, बच्चा की बात करें तो तद्भव हो जाएगा, और कान जो है ये भी आपका तद्भव है, ठीक है, अर्ध तत्सम जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी दही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए, विदेशी जो शब्द है उसको आपको पहचानना है बताइए। तो देखिए ग्लास जो है ना, ग्लास ये विदेशी अंग्रेजी है ना, ग्लास अंग्रेजी में भी कहते हैं जी एल ए डबल एस, ठीक है, तो वही ये है, ठीक है, तो हिंदी में भी वैसे लिख दिया है, तो ऑप्शन ए जो है ये विदेशी है, बाकी आपका नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, जो आपके विशेषण दिए इनमें से संज्ञा को पहचानना है बताइए, कौन सा इसमें संज्ञा है बताइए। देखिए अनुशासन जो है ना ये आपका संज्ञा है और यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, ठीक है,
व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक, भाववाचक, ये सब जानते हैं तो वही संज्ञा के प्रकार हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा को पहचाना है, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आप जो है ये रेखांकित है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है, आप जो है ये कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी, ठीक है, आपकी सब राह देख रहे हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से आपको विशेषण को पहचानना है, किसमें से विशेषण कौन सा है बताइए, विशेषण कौन सा है इनमें से। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो विशेषण है वो है आपका नैतिक, जैसे नैतिक शिक्षा हो गया, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विशेषण को पहचानना है। नेक्स्ट है, उसे धीरे धीरे, ये आपका अंडरलाइन है, लिखने की आदत है, तो आपको रेखांकित यानी धीरे धीरे क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो ये हो जाएगा धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, रीति के बारे में बता रहा है, तो ये रीतिवाचक जो है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए, जो लेकिन है इसको व्याकरण की दृष्टि से आपको पहचानना है, क्या है ये। तो देखिए, ये जो है ये ऑप्शन में अगर हाँ दिया है, ऑप्शन में अव्यय है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, लेकिन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अव्यय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो देखिए, जोर देने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनको क्या कहते हैं, मैंने कई बार बताया आपको, निपात कहते हैं। ठीक है, निपात ही जो है निपात है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित क्या है, आकाश है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है वो आपको बताना है, रेखांकित जो शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए जो है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए आकाश का जो है वो होता है नव, गगन, या फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा व्योम, ये सब होता है, तो रसाल जो है ना ये नहीं है। ठीक है, बाकी जो आपके शेष जो हैं ये आपके आकाश के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष महाधन है, रेखांकित जो है ये संतोष है, सटीक विलोम शब्द आपको बताना है, इसका जो है विलोम शब्द कौन सा होगा। असंतोष होता है, असंतोष। ठीक है, संतोष का असंतोष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है, कौन सी जोड़ी इनमें से सही है बताइए, कौन सी जोड़ी जो है इनकी सही है, न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, या फिर मान अपमान बताइए। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर सही जो है जोड़ी की बात करें तो अचला, मतलब अचल और अचला जो है ये आपका सही है, बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो विपरीतार्थक है ये, अगर हम बात करें न्याय अन्याय हो जा रहा है, मान अपमान हो जा रहा है, या फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका समानार्थक हो जाएगा, धारा और पृथ्वी एक ही जैसे, अचल और अचला जो है ये जोड़ी सही लग रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या कहते हैं, दूसरों की बातों में जो दखल देते हैं उसको क्या कहते हैं, हस्तक्षेप करना कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलाते रहिए दोस्तों कि आप कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब खत्म होने वाला जल्दी, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित निकट है। ठीक है, रेखांकित शब्द क्या है, जो निकट है वो क्या है, वो कौन सा शब्द है। तो देखिए, ये संबंध सूचक शब्द, ठीक है, निकट जो है बता रहा है, नहीं कहते हैं उसके बगल में है ये सब, तो उसके बारे में संबंध में बता रहा था, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संबंध सूचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, माता पिता अपने बच्चों के लिए
कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द जो है के लिए जो है क्या अर्थ होगा, मतलब के लिए क्या है, के लिए की बात किया ये। देखिए के लिए जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा परसर्ग, ठीक है परसर्ग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है परसर्ग है ये, ठीक है जिसे विभक्ति भी कहते हैं, तो विभक्ति अगर ऑप्शन में तो उसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वचन की दृष्टि से कौन सा जो जोड़ा है जो सही नहीं है बताइए, सभी लोग बताइए। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सखी और सखियाँ वाला जो है ना ये जोड़ा सही नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ पर देखिए मेन जो है वचन की दृष्टि से बाकी आपको सही लगेगा, बस इसमें भी आपको सही लगेगा, यहाँ पर जो है मात्रा की गड़बड़ी है, ठीक है सखी और सखियाँ, ठीक है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं, क्या कह रहा है कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा तो उसको क्या कहते हैं बताइए, अब सीधा सीधा बता भी दिया फिर भी आप नहीं बता पा रहे हैं, बताइए जल्दी से। कर्म के अनुसार हो रहा है तो कर्मवाच्य कहेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए, कौन सा भविष्य काल का है ये आपको पहचानना है, तो अभी आपने देखा है काल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो गा गे गी से पहचान सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में आपको सीधे दिखाई दे रहा है मैं कल घूमने जाऊंगी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य पुरुष तू का सही बहुवचन होगा, मध्य पुरुष जो तू है इसका सही बहुवचन कौन सा होगा बताइए, तो इसका सही जो बहुवचन होगा तुम लोग होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्यों को क्या कहते हैं बताइए, उस वाक्यों को क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं, याद रखिएगा उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपने 40 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब आपने ईमानदारी के साथ सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दिया है, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पसंद आया होगा, अगर आपने 18 और नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी हम क्वेश्चन आगे लेके आएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे उनके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिए और अपने सुझाव सजेशन कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि आपका कमेंट और सुझाव सजेशन ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।